जोधपुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भाजपा के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा, 29 अप्रैल को पडल में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानाचार्य कमलेश गुप्ता चर्च मामले में लोगों का आंदोलन तेज, असल दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं लोग। सरकाघाट में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर रामस्वरूप शर्मा का प्रहार, कहा कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटने का किया है काम। और मोदी कर रहे हैं गुजरात के विकास की तुलना हिमाचल से, सच पता चल जाएगा, कहा कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिपति। पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार करने के बाद अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल अपने गृह जिला हमीरपुर चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लुगलू, नलाटी, धन्नोटू, वगराटी, बांडी, फरनोल इत्यादि जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। और यहां पर पहुंचने पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों व गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया। प्रेम कुमार धूमल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जाने कि कांग्रेस सरकार ने जनता के हित के लिए क्या किया है। कांग्रेस बताए कि महंगाई, भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद के मुद्दों को हल करवाने के लिए उन्होंने क्या किया है। धूमल ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस से त्रस्त है और जनता ने इन चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाने का पक्का मन बना लिया है। अगर कांग्रेस वाले अपने 10 साल के काम गिनाए कि 10 साल में देश के लिए किया, इस करके अगले 5 साल के लिए भी वोट दो, ये उनका कर्तव्य है। हम विपक्ष में हैं, हमारा कर्तव्य हम बताएं कि उनकी क्या क्या कमियां रही हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट दें कि आज महंगाई आसमान को छू रही है? 2004 के 20 मई तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, NDA की सरकार इस देश में थी, तो डिब्बों में आटा आपको 8 रुपए किलो मिलता था, आज 22 रुपए किलो मिल रहा है, कैसे वोट देना है? जो डीजल 22 रुपए लीटर मिलता था, आज 55 रुपए लीटर हो गया, कैसे लिए कांग्रेस को वोट देंगे? जो पेट्रोल 32 रुपए लीटर था, वो 70-80 रुपए लीटर तक हो गया, कैसे लिए कांग्रेस को वोट देंगे? जो मिट्टी का तेल गरीब इस्तेमाल करता था, 8 रुपए लीटर होता था, वो 46 रुपए लीटर हो गया। और एक सप्ताह पहले हिमाचल की नालायक कांग्रेस सरकार के कारण हिमाचल का कोटा पूरी तरह खत्म हो गया, कैसे लिए वोट देंगे? खाना पकाने की गैस और कांग्रेस की दिवाली फीकी करके रख देंगे। हमीरपुर में आयोजित भाजपा की जनसभाओं के दौरान कई नए लोग भी पार्टी में शामिल हुए और भाजपा को सुदृढ़ करने व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को भारी मतों से जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी कई ताबड़तोड़ हमले किए। प्रदेश में भाजपा को मिल रहे जन समर्थन के कारण हिमाचल की चारों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के जीतने की उम्मीद धूमल ने जाहिर की है। चलिए, धूमल का कॉन्फिडेंस और उनका इतना पसीना बहाना अपने प्रत्याशियों के लिए क्या रंग लाता है, यह तो 16 मई के नतीजे सभी को बता देंगे। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। मंडी संसदीय सीट से आजाद प्रत्याशी भागचंद राणा को चुनाव आयोग ने टॉर्च का चुनाव चिन्ह दिया है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद भागचंद राणा मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले कि वह एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और अगर वह जीतेंगे तो किसानों को कृषि के आधुनिक तौर तरीकों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। मनाली से संबंध रखने वाले आजाद प्रत्याशी भागचंद राणा को चुनाव आयोग ने टॉर्च का निशान दिया है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद भागचंद राणा बोले कि वे मंडी लोकसभा सीट की जनता को टॉर्च की रोशनी की तरह रोशन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई आज के दौर में आसमान छू रही है, सभी दल एक दूसरे की खींचातानी करने में लगे रहते हैं, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं होती।
भागचंद राणा ने कहा कि मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करें। महंगाई चरम सीमा को छू रही है। आज सभी दल एक दूसरे पे तरक्की की बात ना करते हुए आज जो है मतलब एक दूसरे की खींचातानी पे चले हुए हैं, तो ये आज अपनी एक स्टेटस नीरा कुश्ती कर रहे हैं, हवाई किले बना रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि पब्लिक, मैं एक बात से मतलब ये कहूंगा कि क्षमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से भी निकल सकती है। हौसले ना हार, इरादे ना बदल, किस्मत का क्या पता है, वो तो पल में भी बदल सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है सभी जनता से, वो सोच समझ के अपने मत का पूर्ण प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता दोनों दलों का कार्यकाल देख चुकी है, तो इस बार वे क्यों ना किसी काबिल व्यक्ति को वोट करें। जनताओं से मतलब ये अनुरोध करूंगा कि मतलब वो जो है एक अच्छे काबिल आदमी को मतलब आगे लाने की कोशिश करें और भ्रम में ना रहें, क्योंकि आप जो मतलब मंडी की जो जनता ने आज तक इनको सबको आजमा के देखा हुआ है, सभी दलों को आजमा के देखा हुआ है। और मैं आज आज़ाद प्रत्यक्षी के रूप में मतलब मंडी की जनता के पास आ रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मंडी की जनता जो एक बार काबिल व्यक्ति को आगे लाएं। मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो किसी फर्क करें, वो मतलब देखें और अपने वोट की कीमत को जाने। जी, तो इस बार के चुनाव एक और मायने में खास हैं, क्योंकि इन चुनावों से पहले देश ने कई जन आंदोलन देखे हैं और इस बार उन आंदोलनों की गूंज हर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आज के दौर में हर तीसरा शख्स बड़ी पार्टियों पर देश की बदहाली का ठीकरा फोड़ना चाहता है। देखना होगा जनता जनार्दन किसे सच मानती है और किसे झूठ। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। भाजपा जिला कुल्लू के अध्यक्ष एवं मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी लोकसभा चुनावों के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि अंदर ही अंदर भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं तथा उनके जनाधार में हर रोज भारी उछाल आ रहा है। गोविंद ठाकुर भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की 3D रैली में भाग लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस की नीतियों से तंग आ चुकी है और रामस्वरूप शर्मा को मोदी की सरकार में शामिल करने को बेताब हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर इतिहास रचेंगे। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रोजगार भत्ता देने के नाम पर धोखा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, जिसे उन्होंने कौशल भत्ते में बदल दिया। इससे प्रदेश का युवा स्वयं को ठगासा महसूस कर रहा है। गांव का बेटा, किसान का बेटा राम स्वरूप शर्मा प्रतिभा सिंह को हरा करके दिल्ली की लोकसभा में पहुंचेगा, एक बात का वायदा मेरा है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमने हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज लाया था, रोहतांग सुरंग का सपना पूरा किया था, मैं आपको वायदा करता हूं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी से बड़ा काम हम क्या करवाएंगे, वो ये काम करवाएंगे कि पठानकोट से जोगिंदर नगर से मंडी, भानुपली बिलासपुर मंडी सुंदर नगर, कुल्लू मनाली लाहौल होते हुए लद्दाख में चीन की सीमा तक रेलवे लाइन को पहुंचाने का काम हम करेंगे। मित्रों, ये काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जैसा ही व्यक्ति कर सकता है। कई लोकसभा की प्रत्याशी रोहरू की प्रतिभा सिंह, यानी हर जगह पर केवल मात्र रजवाड़ा शाही हावी, और ऐसे सारे वातावरण में आज देश के अंदर महंगाई जबरदस्त तरीके से 10 साल के यूपीए सरकार में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी पहली बार मतदान करने जा रहे युवा वर्ग को न्यू एज वोटर नहीं, न्यू एज पावर मानते हैं। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसे मोदी जैसा सशक्त व सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही दूर कर सकता है। के न्यूज के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज।
Registration starts for 9th, plus 10th, plus 1 and plus 2. We provide school income coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments. Preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज। जब उपलब्ध हैं अल्मोनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स, एमएस सिंह अल्मोनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं अल्मोनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल्स व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे एमएस सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। चुनाव निरपक्ष व ठीक ढंग से करवाए जा सके, इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा पूरी तरह से कमर कस ली गई है और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने लोगों को मतदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए भी कहा। हमीरपुर में बातचीत के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2009 में मतदान की प्रतिशतता 58% था, लेकिन इस बार लोगों को चाहिए कि वे मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह पहले से ही 7 मई के दिन के कार्यक्रमों को करवाने के लिए रणनीति बनाएं व पूरी योजनाबद्ध तरीके से वोटिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करें। अवश्य ये बात ठीक है कि उनके ऊपर घर संभालने की ज्यादा जिम्मेवारी होती है, परंतु उस दिन वो अपनी प्लानिंग लेकर चलें उस दिन, और जो भी काम है उसको इस तरह से करें कि कम से कम घंटा डेढ़ घंटा निकाल पाए और उसको नियरेस्ट अपने पोलिंग बूथ में जाके अपना वोट दे दें। मैं एक ये भी कहना चाहूँगा उनके हस्बैंड से और उनके जो विभिन्न परिवार सदस्य हैं कि अपनी औरतों को, अपने जो लेडीज हैं घर की, उनको वोटिंग देने के लिए उनको भी सकारात्मक समर्थन देना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने कोशिश की है अपने प्रत्येक सब डिविजन में कम से कम एक पोलिंग स्टेशन होगा, जो होगा मॉडल पोलिंग स्टेशन, जिसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ होंगी और बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ तो हमारे सारे पोलिंग बूथ्स में है। तो हमें नहीं लगता किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी किसी को वोट कास्ट करने में। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि वोट डालने के लिए कोई पहचान पत्र अनिवार्य नहीं होता है। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी लिस्ट निकाली जा सकती है, उसमें वोटर का नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का वोटर कार्ड नहीं है तो वे अपने नज़दीकी चुनाव कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बनाने के लिए मतदान करने के लिए जरूर आगे आएं। इलेक्शन कमीशन का कार्ड चाहिए, जिसको एपिक बोलते हैं, ये अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि 7 मई से लगभग 5 दिन पहले हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो वोटर आईडी स्लिप्स का वितरण करेंगे। हर वोटर आईडी स्लिप में मतदाता का
की फोटोग्राफ होती है और उसकी संबंधित सारी जानकारी होती है, तो उसके माध्यम से उसको अपना नाम इलेक्टोरल रोल में मिल सकता है और उसके माध्यम से वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको 3 मई तक, मैं कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा मैं, अगर 3 मई तक आपके पास आपके घर में वोटर आई डी स्लिप प्राप्त नहीं हुई है तो आपको अपने नियरेस्ट सब डिविजनल ऑफिस से या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करें, बोले मेरा वोटर आई डी स्लिप कहाँ है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। अभिलाषी ग्रुप के चैल चौक कैंपस में चल रही इंजीनियरिंग कॉलेजों की राज्य स्तरीय इंटर इंस्टीट्यूट क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कॉलेज अभिलाषी चैल चौक चंचल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि इस समापन समारोह में शामिल भी हुए और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ ही डॉक्टर आर के अभिलाषी तथा ललित अभिलाषी भी मौजूद थे। प्रतियोगिता में प्रथम सेमीफाइनल टी आर अभिलाषी मेमोरियल इंस्टीट्यूट टांडा तथा सिरडा कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन धनोटु के बीच हुआ, जबकि प्रतियोगिता का फाइनल मैच टी आर अभिलाषी मेमोरियल टांडा और अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चैल चौक के बीच खेला गया। फाइनल मैच में विजेता टीम अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चैल चौक के खिलाड़ियों ने अपनी पारी खेलते हुए उप विजेता टीम के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा। उप विजेता टीम लक्ष्य का पीछा करते वक्त केवल 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। बच्चों के साथ जो यहाँ पर क्रिकेट का मैच हो रहा है, हम लोग आनंद ले रहे हैं इसका और बच्चे भी बहुत बहुत आनंद ले रहे हैं। ले रहे ना सही? इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर चैल पब्लिक स्कूल एज वेल एज अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर मैच हो रहा है और बहुत सारे बाहर से भी आए हुए हैं दर्शकगण और बाहर से बहुत सारी टीमें आई हुई हैं, उनके साथ हम लोग भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं। क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन टीम के अनिल कपूर को मैन ऑफ द मैच और मनीष शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। के न्यूज़ के लिए चैल चौक से हरीश चौहान की रिपोर्ट। पी मार्का तेल कंपनी ने आज मंडी के बड़े करियाना व्यापारियों और अन्य व्यापारियों के सामने पी मार्का तेल की बोतलों की नई पैकिंग का प्रदर्शन भी किया। ये नई पैकिंग पूरे देश में एक साथ ही लागू की जाएगी और कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक कंपनी ने देश में सर्वे के आधार पर इस नई बोतल की को डिजाइन किया है। मंडी शहर के सभी दुकानदार भाइयों को हमने ये नई पैकेजिंग के बारे में बताया कि हमने जो तेल वही है और नई पैकेजिंग की है, इसलिए इसके बारे में अवेयर किया गया कि आप भी आगे कस्टमर को बताएं कि ये वही तेल है और नई पैकेजिंग में इसको पैक किया गया। कंपनी जिनको कि हम पूरी ऑयल मिल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के संदर्भ में ये दुकानदारों को मंडी के सभी बुला के और जो प्रोडक्ट उनका लॉन्च हुआ है उसके बारे में जानकारी दी। उनका पहले से जो सरसों का तेल एक पैकिंग में आता था, उन्होंने उसको पैकिंग को चेंज करके एक नए स्टाइल में उसको पब्लिक के सामने रखा है और इनका कहना है कि ये हमने पब्लिक ओपिनियन लेके, पब्लिक से उनका सर्वे करवा के, पब्लिक की पसंद को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर लोगों ने जिस डिज़ाइन को पसंद किया उस डिज़ाइन को इन्होंने लॉन्च किया है, तो उसमें पब्लिक में उस डिज़ाइन को लेके आए हैं। उसकी आज इन्होंने फॉर्मल लॉन्चिंग करी यहाँ पे, सभी दुकानदार मंडी के जो थे उन्होंने इसमें शामिल होके उसमें इनको सहयोग का आश्वासन दिया और अब देखते हैं कि पब्लिक में ये प्रोडक्ट इनका किस तरह से आता है, किस तरह से पब्लिक इसको आत्वात लेती है, ये तो पब्लिक पे निर्भर करता है। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।